सो गाइस वेलकम टू अनदर डे। आज हम अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। हम जा रहे हैं अबू धाबी टूर के लिए। तो भैया आ गए हैं, क्या हाल है भैया? तो हम अबू धाबी टूर के लिए निकल चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है यहाँ के 10 बज गए हैं। आपके पास से की आप लेके आए थे, इनमें देखा तो मैंने घुमाते हुए आपको। 9:30 का टाइम था, आधा घंटा लेट है, बट इतना चलता है क्योंकि हमारे साथ लप्पू सेना है। दो लप्पू सेना के अच्छा भाई, एक और चीज हमें ना वो करनी है, शूटिंग करनी। तो अबू धाबी में होगी, शारजा में होगी? शारजा में होगी। तो जाते हुए होगी, आते हुए होगी? अलग स्टेट है। तो अबू धाबी में भी तो है शूटिंग का? हाँ वो भी है। तो वहाँ करा देना ना, आपका टूर है तो शूटिंग कैसे होगी? तो नहीं है आपका सिटी टूर है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब कि प्रॉपर आइटनरी फॉलो करनी है कि पहले यहाँ जाना वहाँ जाना, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो जहाँ वो आएगा ना शूटिंग वाला, वहाँ ले चलना। चलो ठीक है ना, शूटिंग करनी है यार, वहाँ जा रहे हैं स्पेशली। और शूटिंग नहीं करी तो फायदा क्या, दुनिया में क्या मुंह दिखाएंगे हम कि हमने शूटिंग नहीं करी वहाँ जाके? तो वहाँ जाके तो ना करी आपने, आप तो यूएस करी थी ना। तो भैया हमें शूटिंग के लेके जाएंगे, मजा आएगा मजा। तो अभी हम भैया से यहाँ पे ना, जैसे हम डाउनटाउन रुके हुए हैं, तो हम डाउनटाउन एरिया का मतलब प्रॉपर्टी का प्राइस पूछ रहे थे। तो भैया कहते हैं जो दिमाग, जैसे यहाँ पे ना ग्रुप वाइज बने हुए, दिमाग भी ग्रुप है ना भैया का, तो वो ना ऐसे घर द्वार देते हैं कि मतलब आप ले लो और 0% आपको डाउन पेमेंट देनी है एक साल तक। हाँ तो एक साल तक आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता, लेकिन आफ्टर दैट वो फिर जैसे अपने मतलब इंडिया में भी मतलब जियो वियो आया था, तो वो एक साल तक कुछ नहीं देना होता, बाद में आदत पड़ जाती है, स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाता है, फिर उसके बाद अच्छी खासी मतलब ठीक है। ये भी एक मतलब वो है कि यहाँ पे लोग भाई आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, तो ये यहाँ का तो भाई ये तो बिजनेस है, पीपल आर स्मार्ट हेयर की भाई कैसे, उनको पता है कैसे करना है। और दुबई वैसे भाई कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो लेकिन वो भी भैया बता रहे थे कि लोगों ने ऐसे सोचा तो था कि स्कीम कर लो भाई, स्टार्टिंग में फ्री मिल रहा है, ले लेते हैं बाद में देखेंगे कैसे करना है। तो उन्होंने उनका सामान मान कर रखा कि भाई इतना सामान होना चाहिए, वरना फिर ऐसे रह नहीं पाओगे, मतलब कंडीशंस रख देते हैं या बाउंड टू हो जाते हो कि भाई अब या तो आपको पैसे भरने हैं या फिर आपको मतलब ले नहीं पाओगे, तो वो चीज़ है। बाकी सही है, सिस्टम तो है ही तगड़ा। बाकी शिवानी रेट पूछी थी, शिवानी बाय बाय करना है यहाँ पर कोई डाउनटाउन में कुछ है? कोशिश जा रही है भाई, क्योंकि हम परमानेंट शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पर, बार बार कौन आएगा दूसरा? सही बात है ना। तो अभी हम रास्ते में, पहले हम अभी ब्रेकफास्ट करा नहीं हमने, तो पहले या तो ब्रेकफास्ट करेंगे वरना सीधा मॉस जाएंगे, मॉस में भी ब्रेकफास्ट का सीन है, तो देखते कैसे करते हैं। भाई ये वाला ब्रिज जो देख रहे हो ना, ये जो ब्रिज है, ये शेख, यहाँ का जो शेख है उसकी बेटी ने इसकी पिक्चर बनाई थी। तो भाई हाँ, हमारा डिज़ाइन बनाया, और तो शेख ने कहा भाई मेरी बेटी ने डिज़ाइन बनाया है तो ब्रिज बना दो इसका। भाई बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, ऐसा सीन है। तो हम यहाँ पे अभी अबू धाबी हम सिटी एंटर कर गए हैं। हाँ अच्छा, तो मॉस्क भी नियर बाई, ये मॉस्क आ गई यहाँ पे, तो अबू धाबी से टेंडर कर गए हैं। अब जाएंगे हम मॉस्क, फिर वहाँ का लेंगे। बढ़िया, अच्छा यहाँ की रोड्स में और अब दुबई की रोड्स में फर्क है। यहाँ की रोड्स जैसे नॉर्मल मुझे ऐसे इंडिया वाली फील दे रहे हैं थोड़ी सी, वो थोड़ी और मतलब जैसे इंटरनेशनल वाइब आते हैं वैसा है दुबई की, और यहाँ नॉर्मल सी रोड्स हैं, बट स्टिल दे आर मेंटेन्ड। तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो ये अभी अबू धाबी के अंदर हम पहुँच गए हैं। तो वहाँ पे मॉस्क जाने से पहले आई थिंक ये शॉपिंग एरिया मॉल टाइप कुछ वाला एरिया था, यहाँ पे ना सारे ये शॉपिंग के लिए बने हुए। तो अभी ये पायल और शिवानी दे आर लुकिंग फॉर द, उनको ये कुछ पसंद आया है, वो ट्राई कर रही है, ये लपुसी शिवानी ये रही, ये ट्राई कर रही है कुछ पसंद आया, और पायल भी कुछ ना कुछ देख रही है। बट लेकिन चीज़ें देखो कितनी प्रिटी प्रिटी हैं यहाँ पर, एंड इसके कपड़े उतार दिए शिवानी ने, इसको पहनाए जा रहे हैं दोबारा, तो ये कपड़े पहना दिए। देखो इज्जत इंपॉर्टेंट है, ढक रही है भाई ने। तो ये हेलो हेलो, आपने मैंने कोई नंगा करा ना, मैंने दिखा दिया वीडियो में, उसको दोबारा कपड़े पहनाने पड़े हैं, पहना दिए। तो अगर यहाँ पे कुछ पसंद आता है तो देल बाय, एंड उसके बाद हम मॉस जाएंगे। तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ये सब एरिया भी होगा, मुझे तो लगा यहाँ के सीधा मॉस, हमारे पास यहाँ पे 1 घंटा है तो पूरा हम 1 घंटे में कवर कर लेंगे। और बाहर तो भाई बहुत धूप है, तो यहाँ का एरिया मुझे अंदर ठंड वंड है, मतलब सही कर रखा है। तो देखते थोड़ी बहुत शॉपिंग, उसके बाद मॉस। तो मॉस की एंट्री के लिए लोग यहाँ पे, ये जो पीछे आप लाइन देख रहे हो, ये बोतल वगैरह यहाँ से आप लेके
देन उसके बाद यहाँ से एंट्री करेंगे मॉस्क के लिए. सो दिस इज़ द मॉस्क एंट्री. हेलो हेलो. तो ये दोनों सवर गए हैं बिल्कुल कवर्ड और यहाँ से भी मॉस्क एंट्री ले रहे हैं. प्रॉपर एयरपोर्ट की तरह एंट्री हुई है. मतलब स्टार्टिंग में ना हमें सारा सामान जो था वो रखवा दिया है, लाइक एवरीथिंग. जैसे एयरपोर्ट होता पूरा वैसे चेक इन पूरी वैसे चेकिंग हुई है. तो हम जा रहे हैं मॉस्क एंट्री में. काफ़ी सही सा लग रहा है. बाकी अंदर जाके देखते हैं. अगर शूट करने दिया हम यहाँ तो मैं शूट करूँ. जब तक कोई टोकन है तब तक शूट कर लेंगे. बाकी देखते हैं. गाइस मॉस्क आ गए हैं हम और भाई बहुत सुंदर व्यू है. मतलब मज़ा आ गया. बहुत सुंदर है एंड पूरा एरिया ही इतना सुंदर है. मतलब अभी आगे जाएंगे. अभी तक तो वीडियो के लिए जब तक कोई टोक नहीं रहा तब तक हम शैतानी कर सकते हैं. जब कोई टोक देगा हम कहेंगे सॉरी गलती हो गया हमें पता नहीं था. सॉरी सॉरी अभी भी. तो अभी ये दोनों फोटोशूट करा रहे हैं. अच्छी लग रही है यार. मतलब वीडियो में सही लग रही है. मतलब वरना ऐसी गंदी शक्ल अच्छी लगती नहीं वीडियो में, बट अच्छी लग रही है. और ये भी छाते वाली मैडम कैनेडा से आई हैं कहीं. ओहो प्रोफेशनल फोटोग्राफी चल रही है. वो बिल्कुल नीचे वाले एंगल से पूरा मॉस्क आ जाए. तो अभी हम चलते हैं आगे. गाइस ये व्यू देखो क्या सेक्सी व्यू है. बहुत प्यारा लग रहा है. बहुत सुंदर अंदर से भाई. बहुत ही हर एक एक जगह एक एक कोने पे ऐसे ना ऐसे कि वहाँ करो के फ़ोटो ले लो वहाँ भाई देखते रहो चीज़ों को. बहुत सुंदर है भाई नज़र था. इट्स लाइक ऐसा लग रहा मैं अबू धाबी के मतलब ताजमहल में आ गया. ऐसा वाला फील आ रहा है मुझे. बढ़िया. तो भाई यहाँ पे ना एक गाइड था, मैंने उसकी बातें सुन ली. वो बता रहा है यहाँ पे ना 85 टॉम्स हैं और 1000 पिलर्स हैं. ऐसा एक गाइड ने बताया. वो पैसे दिए उनको, मैंने ऐसा चुपचे से सुन लिया कि 85 टॉम्स और 1000 पिलर्स हैं. तो इट्स क्वाइट अमेजिंग. बट भाई व्यू मत ख़राब करो यार. बहुत सुंदर है. बहुत प्रिटी है. पूरा व्यू ही बहुत सुंदर है एंड फील है. इनकी ना मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, इनके पास हर हर चीज़ में ना एरिया बहुत बड़ा है. जैसे कहीं भी जाओ ना लाइक वॉकिंग डिस्टेंस एंट्री अभी भी ऐसे हुई जैसे बहुत ही बड़ा एरिया है भाई. इट्स क्वाइट अमेजिंग. मज़ा. अब हम आ गए यहाँ पे कैराकल शूटिंग रेंज, जो मुझे लग रहा है शूटिंग क्लब. जो मुझे लग रहा है मेरा यहाँ आबू धाबी आने का मेन पर्पस ये था कि मुझे शूटिंग करनी है. पायल एक तो मेन रीज़न ये था. पायल कर चुकी है मेरे बिना कैसे कर ली. पायल यूएस में कर चुकी है तो भाई मेरे को करना था. और हमें ऐसा मिल रहा सीन जो ऑनलाइन देखा है 25-25 राउंड हम मैं और शिवानी ले लेंगे. जो उसमें 25-25 राउंड में 5-5 इसको फेंक के मारेंगे मुँह पे. ये 5-5 कर लेगी हमारे 20-20 हो जाएंगे. तो सामने खड़ा कर देंगे ना. इसने पीछे से करी इस बार आगे से कर. इसको सामने खड़ा करने के लिए 100 राउंड लेने पड़ेंगे तब जाके मोटी चर्बी में छेद होगा कोई ना कुछ होने नहीं वाला. तो आज हमें पायल गलत गाइड करेगी. जो उसने शूटिंग करी है हम सही सही पूछ लेंगे वहाँ से कैसे करनी है. तो शूटिंग में जाएंगे. शूटिंग में तो ये क्या है, कौन सी ड्रिंक है पहले? मैंगो पैराडाइज एंड दिस इज मिंट लेमोनेड एंड दिस इज माय प्रोटीन शेक. इसमें पीनट बटर है, बनाना है और आलमंड मिल्क है और साथ में चिया सीड्स हैं. तो भाई साहब कतई हेल्दी शेक. और ये रपू शिवानी पता नहीं कुछ कर रही है फ़ोन में. आई डोंट नो. फोटो अच्छी नहीं आ रही. कह रहे फोटो मॉस्क में फ़ोटो लिया बिल्कुल अच्छी नहीं आई. अब भाई हम क्या करें, शक्ल अच्छी नहीं तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते. भाई प्रोटीन शेक क्यों पी रहे हो? इतना विडाल शरीर. प्रोटीन शेक हम जैसे कमज़ोरों के लिए. हट जाओ, हमें ताकत की जरूरत है. हमें शूटिंग करनी है, हमें ताकत चाहिए. हट जाओ. कैसा है? प्योर मिंट. क्या लें क्या लें? कह रहे बढ़िया. तो भाई अभी भी हम वेट कर रहे हैं अपने शूटिंग रेंज का. वो कह रहे हैं स्टिल वेटिंग. तो अभी लगेंगे 5-10 मिनट. प्रोटीन शेक पी लिया, मजे आ गया. क्या आ गया मज़ा. सो हमने जो खाई उसके बाद हमने क्रोसॉन लिया था, चीज़ क्रोसॉन. उसका टोटल बिल आया 101. इसमें फाइन कितना लगा?
आपकी सीट धसी हुई थी, फाइन नहीं काटा। अपनी सीट की शेप देखो, पूरी शेप बिगाड़ दिया भाई। फाइन ले लिया, सिर्फ बिल था 50 दिरहम, इसलिए 51 दिरहम एक्स्ट्रा चेंज दिया है। 100 भाई बहुत वेट करना पड़ रहा है यार। यहाँ पे 12 पीपल का ग्रुप आया हुआ है, वो भी शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 9 को होगी, 3 की रह गई है, तो हम वेट कर रहे हैं। मैं वेट करते करते 1 घंटा हो चुका है, मन कर रहा सो जाऊँ। गंदी शक्ल क्यों बना रहे हो व्लॉग में? ये कब चुरा रहे हो? चीनी के साथ भाई, कहते चीनी भी नहीं चुरा रहे, घर जाके चाय पियेंगे भाई। मैं तो कह रहा हूँ इसके ना, इसमें जो ये है ना, इनका ये बून कैफे, इसी में डाल लो चीनी। अरे मैं बताऊँ, ये चीनी पैकेट निकल लो, घर जाके निकाल देना, धो लेंगे भाई। कैसे जोक मारते हो? I need you to listen carefully because this is very important. This is the safety briefing here. After here we will go there to the first timers, both of you? Yes. Alright, I need you to stand here. Alright, good afternoon. I'm Alan. Nice meeting you. It is our pleasure to have you here. Thank you very much for coming. Both of you are from where? India. Yeah. Also? Yes. Yep. What's your good name? Payal. Okay. I'm Alan. Your safety is our priority. We do not want anything happen to you. 3 rules. Number 1, every time you are going to hold a gun, anywhere you are, any kind of gun, you need to think or you need to assume it is loaded. Even if it is empty, there's nothing. So every time you hold it, think it is loaded. Always. Number 2, every time you hold it, always point it only on the target. Do not point it anywhere. Do not point up. Do not point down. Do not bring back. Even you put it on the table, it's still pointing there. Do not put like this or like that. Okay? Are you videoing? Yes. Is that okay? Yeah, it's okay. Okay. Just joking. Okay. So again, remember, always point there. Number 3. Every time you are going to hold the gun, always finger out. Never to put immediately inside the trigger because you're not yet ready. Maybe you will accidentally squeeze it. So every time you are going to hold it, put it outside. If you are ready to shoot, that's the time to put it inside. Okay? If you want to shoot, boom. If you want to rest after you shoot, if you are holding it, point it on the target, bring your finger out. Never maintain inside because maybe boom again. Oh, okay. So always outside if you are not ready. Okay. Clear? Yes. Any questions? No. 3 rules. Yes. First rule, always think it is loaded. 2, always point it only on. 3, always finger. Outside. If these 3 rules are inside your head, every time you hold the gun, you are ready. Yes, we are ready. Safe. Yes. Yes, you're ready, but 5 fundamentals before you display. These 2 are the same level and these are touching there, okay? Now you feel stable, right? Yeah. I need you to spread your legs. I need you to lean forward. This is how you stand and this is how you grip. Master it. Do not move too much. You are putting it on your bone. Put here. So when you are holding the gun, do not move it anytime on a 1, 2. Just stand it, push your body inside. This is how you stand, that is how you grip. Remember that one, okay? Not too much, ma'am. Just relax your body. Put the gun down. I need you to memorize it. So पहले सिर्फ हम कर रहे थे, अब हमें देख के पायल का मन कर गया, तो पायल भी कर रही है, क्योंकि इट्स फन। एंड सेकंड थिंग, वी विल बी गेटिंग दिस सबमशीन गन एज वेल, तो वो उसका अलग मजा है। तो पायल के लिए भाई मुझे भी करनी है, क्योंकि भाई मशीन गन मिलेगी चलाने को, सबमशीन गन, तो इट विल बी फन। तो यहाँ पे भी ट्रेनिंग चल रही है एंड हमने अपनी ट्रेनिंग ले ली है, पायल अपनी ट्रेनिंग ले रही है, और दो पायल ने कर रखी है, बट स्टिल इट्स मैंडेटरी। तो पायल अभी ट्रेनिंग लेगी, उसके बाद बिल्कुल प्रॉपर एरिया जहाँ पे हमें शूटिंग करनी है, तो मज़ा आएगा। तो गाइस, अभी विश्वानी एंड पार्थ अंदर शूटिंग करने गए हैं, मैं इनके बाद जाऊंगी बिकॉज 2 ट्रेनर्स थे, तो एवरीवन नीड्स एन अटेंडेंट हियर। अब ये लोग करके देन आई विल गो। अभी पार्थ
अपना शूटिंग स्टार्ट करने वाला है. दैट इज़ हिज टारगेट शीट. एंड उधर शिवानी है अगर उधर बजे वहाँ पर जाके गएंगे. बट यहाँ से ज़्यादा क्लियर व्यू था तो आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड पार्ट फ्रॉम हियर. लेट्स सी हाउ ही डज. हाउ ही डू. कम ऑन. यस Yes. तो गाइस अभी मैंने और शिवानी ने वी डिड द शूटिंग पार्ट. अभी अंदर पायल कर रही है भाई. बहुत ही सही एक्सपीरियंस. एंड टू बी ऑनेस्ट जो सब मशीन SMG चलाई है ना भाई उसमें आया बहुत असली. बाकी नई में भी बहुत मजा आया. जो रिकॉर्ड वीको था फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना भाई इट वाज क्रेजी. तो मज़ेदार एक्सपीरियंस. अब पायल कर लेगी तो उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि अभी फ़ोन आया कि अभी तो अभी हम दुबई में बारिश हो रही है तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा. लेकिन भाई मज़ा आ गया. ये मुझे करना था कि अबू धाबी आके एक बार शूटिंग रेंज जाना है. वो एक चीज़ पूरी होगी क्योंकि इंडिया में वो होगी नहीं. तो भाई फुल स्वाद मज़ेदार. गाइस अब हम आ गए हैं फरारी वर्ल्ड एंड वहाँ से निकलने का. बट भाई मौसम. अरे पायल. पायल अरे देखो इधर आओ. देखो कितना फेस सिमिलर लग रहा है. देखो पायल पायल का फेस कितना मिल रहा है इसके साथ. डिफरेंस ही नहीं पता लग रहा. डिफरेंस ही नहीं पता लग रहा कौन पायल है कौन. चलो चलो चलो. तो हम आ गए फरारी वर्ल्ड. अब हम जाएंगे यहाँ पे पता नहीं क्या है वहाँ पे. राइट वाइड है. राइट वाइड तो खैर मुझे करनी नहीं है. बट जो भी है फोटो वोटो क्लिक करने के लिए आ गए हम. तो एक वो लग जाता है ना कि टैग कर देंगे फरारी वर्ल्ड. फोटो खींची थी. देखते हैं. आई डोंट नो क्या सीन है बट थोड़ा कूल सा लग रहा है. पूरी रेड रेड थीम है एज यू नो होना चाहिए जैसा फरारी का सब कुछ. यू कैन सी पूरा रेड रेड थीम. मज़ा आएगा. लेट्स गो. भाई जो यहाँ बैठा ना अंदर भाई इसको अभी ना इसको यहाँ पे ना अंदर बैठा के इसको ट्रॉफी वॉफी दे दी थी कि भाई ले तू ट्रॉफी ले ले. मतलब फोटो के लिए यार क्या क्या होता है ना. स्कैम करते ना भाई कि फोटो ट्रॉफी लेके ऐसे खड़ा हो गया वो ट्रॉफी. भाई गजब ही सीन. बाकी यहाँ पे कुछ मतलब मुझे कुछ लग नहीं रहा है यहाँ पे कुछ और है. लाइक जो आगे की साइड है दैट इज़ लाइक आपको टिकट लेके वो जो राइट साइड वाला सीन है. तो बस यही है जो है. लाइक ये जो टिकटिंग काउंटर है ना यहाँ से टिकट लेके देन देयर इज़ द एंट्री कि वहाँ से हमें एंट्री करनी पड़ेगी. उसके बाद राइट साइड वाला सिस्टम शुरू होगा. बट हम यहाँ पर राइड करने आए नहीं हैं तो हमें राइड का कोई सीन है नहीं. हम राइड करेंगे नहीं. तो आई थिंक वी आर डन फॉर द डे. अब हम वापस जाएंगे और रात को आज करेंगे पौड़े. भाई यहाँ भी बारिश हो रही है. कलम है. कलम वहाँ गए हमें वहाँ बारिश मिल गई. अभी जाएंगे खा लें लोग. भाई कलम है वहाँ बारिश मिल गई डेजर्ट सफारी के बाद. अब यहाँ भी बारिश मिल गई. मतलब बारिश होती नहीं है और लिटरली दो दिन में हमें बारिश मिल गई है. मतलब लिटरली ऐसा कम ही होता सीन. बट पायल मेरे को पायल कह रही थी गर्मी है पता नहीं मैं कैनेडा से आ रही कैसे रहेगा मेरे को गर्मी ना लगे मेरी ये ना हो जाए वो ना हो जाए. भाई मौसम ही बढ़िया हो गया यहाँ पर. तो बारिश हो रही है कैडी वाली. भाई देखो बारिश हो कितनी तेज़ तेज़ बारिश हो रही है. तब तक वी आर प्लानिंग कि या तो कुछ खा लेते हैं बोलो मन तो भरवाने का ही है. अगर जल सकते हैं चलो आधा घंटा रुकना है. तो भाई बाहर हो रही थी बारिश तो हमने फाइनली डिसाइड करा कि हम डिनर मतलब बैठ जाते खा लेते हैं. तो हमने कुछ मंगवाया मैं दिखाता हूँ. तो ये मंगाई हमने वेज बिरयानी. ये है तो ये इसका नाम क्या था कौन से पोटैटो था ये स्लाइस बेक पोटैटो. दिस इज एग रोल. ठीक है. और ये है मसाला चना. ये है नॉर्मल पराठा. ये है दही. तो भाई देखने में बहुत डिलीशियस लग रहा है. अब मैं आपको बिल्कुल दूंगा सारा मैं खाने वाला हूँ. चलो ओके बाय. अब हम जाएंगे घर क्योंकि हो गई है देर ही. हर जगह बारिश हो रही है. बारिश लप्पू से मॉल में पानी टपकने लग गया था भाई. और ये बारिश से घबराते हैं सारे लोग. मैं देख लिया गाड़ी खराब हो जाएगी बिल्डिंग खराब हो जाएगी सड़क खराब हो जाएगी सब खराब हो जाएगा. चलो फटाफट फटाफट चलो फटाफट 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 फटाफट. अरे सब कुछ खराब हो गया सब कुछ खराब हो गया.